हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सोनी लीव ऐप पर रिलीज हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है JL50। इसमें आपको टोटल 4 एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट आधे घंटे के और ओवरऑल ये सीरीज कुछ 2 घंटे 19 मिनट की है। खैर, इसमें हमें नजर आते अभय देओल, पंकज कपूर और पीयूष मिश्रा। सीरीज की कहानी शुरू होती है 2019 कोलकाता वेस्ट बंगाल से, जहां पर फ्लाइट AO-26 मिसिंग हो गई है और इसी वजह से ये केस सौंपा गया है CBI को, जिसमें हमें नजर आते ऑफिसर शांतनु यानी कि अभय देओल। खैर, कहानी में ट्विस्ट अब आता जब फ्लाइट AO-26 के बजाय मिलती है एक दूसरी फ्लाइट जो कि 35 साल पहले ही मिसिंग हुई थी। अब इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है और कैसे ऑफिसर शांतनु ये केस को सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये सीरीज। बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, तो अगर आपको टाइम ट्रेवल बनाई गई मूवीज और सीरीज देखना पसंद है तो ये बिल्कुल आपके लिए। उसके अलावा यहाँ पर मेकर्स ने एक चीज बहुत अच्छी की, यहाँ पर चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है, यानी कि इंडियन ऑडियंस को नजर में रख के चीजों को काफी सिंपल रखा है, ताकि जो लोग टाइम ट्रेवल पर सीरीज या मूवीज कभी देखे ही नहीं है तो उनको भी ये सीरीज बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा। हालांकि इस सीरीज का जो फर्स्ट हाफ है वो इतना ज्यादा एंगेजिंग मुझे पर्सनली नहीं लग रहा था, लेकिन जो इसका सेकंड हाफ में, वहां पर आपकी नजर स्क्रीन से बिल्कुल भी नहीं हटने वाली, क्योंकि धीरे धीरे जो चीजें रिवील होना स्टार्ट होती है ना, वो बस आपका इंटरेस्ट पूरी तरह से सीरीज में बना देती है। अब बात करेंगे कैरेक्टर्स की, तो यहाँ पर अभय देओल के कैरेक्टर शांतनु को एटलीस्ट इतना तो डेवलप किया है कि आपको ये पता चल जाए कि भाई इनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। उसके अलावा जो दूसरे कैरेक्टर्स है उनको भी ठीक ठाक लिखा है। उसके अलावा बात करेंगे शो की सिनेमाटोग्राफी की, तो यहाँ पर एक ही चीज बोलूंगा कि काफी सिंपल रखा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कोलकाता को बताया वो देख कर बहुत अच्छा लगा। और कुछ ड्रोन के शॉट पे और अगर शूटिंग रियल लोकेशंस पे होती है तो उसका मजा ही अलग होता है। हाँ, कुछ की जगह पे आपको ऐसा लगता है कि ये लो बजट की सीरीज है, जैसे कि कुछ फ्लाइट के सीन जहाँ पर वो लोग तूफान आ रहा है, मतलब वो सीन आपको समझ में आता है कि एक वीक VFX है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया कोशिश है। उसके अलावा शो का BGM काफी बढ़िया लगा मुझे, क्योंकि कुछ कुछ सीन्स ऐसे थे इस पूरे शो में जहां पर वो एक टेंशन का माहौल है ना, वो इसके BGM के थ्रू क्रिएट हो रहा था और देखने पर मजा भी ज्यादा आ रहा था। और अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर मैं अभय देओल से पहले नाम लूंगा पंकज कपूर का, जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। हालांकि पीयूष मिश्रा का काम मुझे यहाँ पर इतना खास लगा नहीं और उनको इतनी स्क्रीन टाइमिंग भी नहीं दी गई है। और बात करेंगे अभय देओल की, तो उन्होंने अपने इस पर्टिकुलर रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया और एक फीमेल एक्ट्रेस हमें इस सीरीज में नजर आती है, उसका काम भी मुझे ओके लगा। बात करेंगे पेरेंटल गाइडेंस की, तो ये सीरीज आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, इसमें आपको कोई भी एडल्ट सीन देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल मैं इस सीरीज को रेटिंग दूंगा 4 out of 5। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की सीरीज अगर हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स बनाते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मेरे हिसाब से ये सीरीज आपको डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए, आपको कहीं से भी ऐसा फील नहीं आएगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करना, और ज्यादा अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।